देश को उनके सामर्थ्य और शौर्य पर बहुत बहुत भरोसा है। और मेरे प्यारे देशवासियों, यहां आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। पुलवामा हमले के गुनाहगार, पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। हमारा पड़ोसी देश ये भूल रहा है, ये नई नीति और नई रीति वाला भारत है। आतंकी संगठनों और उनके आकाओं ने जो हैवानियत दिखाई है उसका पूरा हिसाब किया जाएगा। साथियों, हमारा पड़ोसी देश इस समय आर्थिक बदहाली से बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। वो अब विश्व में इतना अलग थलग कर उसकी हालत इतनी खराब कर दी गई है कि बड़े बड़े देश उससे दूरी बनाने लगे हैं। उसके लिए अपना रोजमर्रा का खर्चा तक चलाना मुश्किल हो गया है। वो कटोरा लेकर के घूम रहा है, लेकिन आज दुनिया से वो आसानी से मदद भी नहीं मिल पा रही है। बदहाली के इस दौर में वो भारत पर इस तरह के हमले करके पुलवामा जैसी तबाही मचाकर वो सोचता है कि भारत भी बदहाल हो जाएगा तो हमारे उन दुश्मन, हमारे पाकिस्तान के बैठे हुए लोग ये भली भांति समझ लें। आपने जो रास्ता अपनाया है, आपने अपनी बर्बादी देखी है। हमने जो रास्ता अपनाया है, हमारी दिन दोगुना रात चार गुना उन्नति भी दुनिया देख रही है। भाइयों बहनों, हमारे पड़ोसी उसके इस मंसूबे का देश के 130 करोड़ लोग मिलकर के जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। साथियों, आज विश्व के बड़े बड़े देश भारत के साथ खड़े हैं, भारत की भावनाओं का समर्थन कर रहे हैं। मेरे पास जो संदेश आ रहे हैं
उनसे पता चल रहा है जितनी दुखी है उतने ही गुस्से में है। पूरी विश्व बिरादरी आतंक के इन सब प्रश्नों को खत्म करने के पक्ष में है। साथियों, वीर बेटियों और वीर बेटों की धरती जानती है कि दुश्मन चाहे जितनी भी साजिश करे उसका मुकाबला कैसे करना। ये धरती गवाह है कि मां भारती की रक्षा, उसकी संतानों की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। तो ये धरती मणिकर्णिका के शौर्य की भूमि है। जिन्होंने झांसी की रानी के रूप में देश की आजादी के आंदोलन को नया जोश, नई प्रेरणा दी। मणिकर्णिका काशी की बेटी थी और मेरा सौभाग्य है कि वहां के लोगों ने, काशी ने मुझे अपना सांसद बनाया। आज से उनकी जन्मभूमि मेरी कर्मभूमि, अपने आप बुंदेलखंड से विशेष स्नेह से भी मुझे जोड़ देते हैं। बुंदेलखंड ने राष्ट्रभक्ति से लेकर देश की आस्था तक हर पल एक नई ऊंचाई देने वाली एक धरती। मुझे याद है कि जब मैं पहले आपके बीच आया था तब आपसे वादा किया था कि जो स्नेह आप मुझे दे रहे हैं उसको मैं ब्याज समेत लौटा हूं। आपको याद है ना मैंने ऐसा कहा था? आपको याद है ना ब्याज समेत लौटाऊंगा ऐसा कहा था? आपको याद है ना? हम वादा निभाने वाले व्यक्ति हैं। इरादे लेकर के निकलते हैं, इरादे पूरे करके निकलते हैं। बीते 4.5 वर्ष से केंद्र सरकार इस काम में निरंतर जुटी हुई है और यहां भाजपा सरकार बनने के बाद विकास की गति योगी जी के नेतृत्व में राज्य की उनकी पूरी टीम ने विकास की गति को और तेज कर दिया है। साथियों, विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई के लिए भाजपा की सरकारें काम कर रही है। इसी लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए अभी अभी हमने बुंदेलखंड मिट्टी के विकास से जुड़े लगभग 20,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इसमें सुरक्षा, रोजगार, रेल, बिजली, पानी, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट जुड़े हुए हैं। भाई बहन, अब बुंदेलखंड को देश की सुरक्षा और विकास का कॉरिडोर बनाने का अभियान शुरू हो चुका है। झांसी से आगरा तक
बन रहा ये डिफेंस कॉरिडोर देश को सशक्त करने के साथ ही बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराने वाला है। देश और दुनिया के बड़े बड़े निवेशकों ने यहां उद्योग लगाने के लिए रुचि दिखाई। लगाने के लिए